नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने चाइना के जो कॉन्सुलेट हैं उनको जाने का नोटिस दे दिया कि भैया तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो जो चाइना का जो 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 कॉन्सुलेट है उसको ऑर्डर दिया। ऐसा क्यों दिया, देखिए, द यूएस ऑर्डर चाइना टू शट इट्स कॉन्सुलेट जनरल इन हॉस्टन सिटी विद इन 72 आवर्स। मतलब 72 घंटे तक का टाइम दिया है कि भाई, मतलब भाई बेसिकली तीन दिन का टाइम दिया। 3 दिन के अंदर जो हॉस्टन सिटी में जो वहाँ पे कॉन्सुलेट है, मतलब चाइना का कई सारा कॉन्सुलेट है अमेरिका में, ठीक है, कई जगह है, तो उसमें जो एक हॉस्टन सिटी में उसको खाली करने का आदेश दे दिया, दे दो। ठीक है, दिस मूव केम आफ्टर द रिपोर्ट क्लेम दैट पेपर एंड डॉक्यूमेंट वेयर बींग बर्न। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि एक घटना क्या हो गई कल कि वहाँ पे जो उसका कोर्ट यार्ड है ना, जो कॉन्सुलेट के कॉन्सुलेट का जो बाहर का जो एरिया था, वहाँ पे ये लोग कुछ जलाए रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट जलाने लगे जला रहे थे, तो जिसकी वजह से लोग देखे होंगे, आसपास के लोग रिपोर्टर देखे होंगे, तुरंत सब लोग फ़ोन करके बुलाया फायर फाइटर लोग को। तो उन लोग पहुँचे वहाँ पे, सारे रिपोर्टर मीडिया वाले पहुँच गए कि क्या हो गया भाई। तो फिर उन लोग को सबसे पहले तो एंट्री नहीं दिया गया, मतलब जो फायर फाइटर है वो एंट्री नहीं दिया गया उन लोग को, एंट्री जो कॉन्सुलेट है उन लोग एंट्री नहीं दिया, पर गेट ही नहीं खुले। अब एंट्री देते, गेट खोलते, तब तो उन लोग जाते, जाके अंदर देखते ना, आइडेंटिफाई करते कि भाई क्या तुम लोग जला रहे हो, बुझा के देखते कौन सा पेपर जला रहे हो। अब उन लोग को घुसने ही नहीं दिया गया, तो उन लोग बाहर ही खड़े थे। इसका वीडियो भी वायरल, वीडियो भी निकला था कि बाहर गेट के बाहर वो खड़ी है फायर फाइटर, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं सब। तो जब पूरा जल वल गया तो अब क्या फ़ायदा बाहर खोल के गए। ठीक है, तो ये था हॉस्टन पुलिस एंड फायर फाइटर डिसेंडेड ऑन द हॉस्टन कॉन्सुलेट फॉलोइंग विटनेस रिपोर्टेड पेपर वेर बींग बर्न आउटसाइड इन ओपन कंटेनर द हॉस्टन क्रॉनिकल एंड टू लोकल टीवी स्टेशन रिपोर्टेड साइटिंग लोकल पुलिस फायर फाइटर वेर नॉट अलाउड टू एंटर इन द प्रीमिसेस सेड वन हॉस्टन फायर फाइटर ऑफिसर। ठीक है, तो उन लोगों को नहीं एंटर करने दिया गया क्योंकि जो कॉन्सुलेट होता है वो पता है, जो एम्बेसी होता है ना, एम्बेसी का ही एक ब्रांच को कॉन्सुलेट बोलते हैं। एम्बेसी तो आपका हमेशा कैपिटल में होता है, तो जो एम्बेसी कहीं भी हुआ तो वो हर कंट्री के कैपिटल में होता है। जैसे तो वॉशिंगटन डीसी में आपका ये है चाइना का एम्बेसी, लेकिन जो एम्बेसी का जो ब्रांच होता है उसे एक लोअर पद होता है, लोअर होता है उसके, एक लोअर पोजीशन होता है, थोड़ा सा एक लोअर पोजीशन उसको कॉन्सुलेट बोलते हैं। तो वो अलग अलग जगह होता है, जैसे इंडिया में चाइना का एम्बेसी न्यू दिल्ली में, उसका कॉन्सुलेट अलग अलग जगह होगा। ठीक है, तो वैसे ठीक है, तो कॉन्सुलेट है तो इन लोग को पावर भी बहुत होता है, मतलब इन लोग बहुत ही रेपुटेड, इन लोग को बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड माना जाता है, मतलब कि किसी, अब ये पूरे कंट्री को अपना रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, राइट। अगर जैसे सपोज यूएसए का कॉन्सुलेट इंडिया में है, तो वो यूएसए का जो वहाँ बैठा है बंदा आके कॉन्सुलेट, वो पूरे यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, आप बहुत उस पर पावर होती है। अब ऐसा नहीं कि जाके उसको अरेस्ट कर लेंगे, उसके साथ कुछ कर देंगे, उसको पूरा 24/7 गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होता है ये, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला पोस्ट होता है ये। ठीक है, तो अब इनको यूएस वाले ऐसे बोल दिया कि आप चले जाए, तो ये बहुत बेइज्जती वाली बात, चाइना के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती बात हो गई कि भाई तुमको अपने शहर से निकाल दिया कॉन्सुलेट को। ठीक है, क्योंकि बहुत वही वाली बात होती है। ठीक है, तो वही है। तो देखिए, चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री का भी अब कुछ ना कुछ तो रिस्पांस आएगा। तो उन्होंने क्या कहते बोला, चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री सेट चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स सच ए आउटरेजियस एंड अनजस्टिफाइड मूव विच विल सैबोटेज चाइना यूएस रिलेशन। वी अर्ज द यूएस टू इमीडिएटली विदड्रॉ इट्स अर्नेस्ट डिसीजन, अदरवाइज चाइना विल मेक लेजिमेट एंड नेसेसरी रिएक्शन। मतलब चाइना रिटेलिएट करने की बात कर रहा है कि अगर आप इसको वापस अब डिसीज़न अपने पास नहीं लेते हैं तो हम लोग भी रिटेलिएट करेंगे। हो सकता है कि चाइना में जो यूएसए का एम्बेसी है, मतलब जो यूएस का चाइना के अंदर भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट है, तो हो सकता है चाइना भी अपने कॉन्सुलेट यूएस के कॉन्सुलेट को बोल दे कि भाई तुम लोग भी चले जाओ। तो हो सकता है रिटेलिएशन में ये करे, हो सकता है कुछ और भी कर सकता है। वांग सेड दैट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज डिप्लोमेट इन जून एंड लास्ट अक्टूबर रिस्पेक्टली विद नो वैलिड रीजन। वांग, ये जो कि चाइना फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हीं का नाम वांग, तो वो बोले कि चाइना क्या किया कि पिछले महीने में उन्होंने क्या किया था कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था चाइना डिप्लोमेट पे। ठीक है, बिना किसी रीज़न दिए, ऐसा उनका कहना है। द यूएस हैज सीज्ड एंड ओपन मेल एंड ऑफिशियल सप्लाईज। ठीक है, बैंक सेड एंड लिस्टेड एलिगेशन ऑफ वॉशिंगटन हैरेसिंग डिप्लोमेट एंड स्टूडेंट इन यूएस। तो इनका ये चाइना जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये भी कहना है कि भाई वो जो यूएस के लोग हैं वो हमारे डिप्लोमेट को हैरेस कर रहे हैं, स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था। ठीक है, तो ये सब हुआ था। अब जानते हैं इसके रीज़न क्यों ऐसा यूएसए अचानक से ऐसा क्यों एक्शन ले लिया, क्योंकि उन लोगों के बीच बहुत, जब से कोरोना वायरस हो तब से तो प्रॉब्लम ही चल रहा है। तो देखिए, पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहले से तो इन लोगों का पहले ही बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है इन लोगों के बीच, ठीक है, इन लोगों के रिलेशन में।
द यू एस स्टेट डिपार्टमेंट अक्यूज चाइना सेइंग दैट इट इंगेज फॉर ईयर इन मैसिव इलीगल स्पाइंग एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन द यू एस ए की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के साथ। चाइना क्या करता है ना, चीज़ों को स्पाई करता है, चीज़ों को चोरी करके, टेक्नोलॉजी चोरी करके अपना बना लेगा। उसके जितने डिफेंस वाली चीज़ें उसमें से आधा से ज़्यादा चोरी करके बनाया गया, मतलब टेक्नोलॉजी चोरी कर लिया और अपना बना दिया, अपना वही टेक्नोलॉजी आपका चोरी करके बना देगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम है और ये स्पाई भी करता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए यू एस स्टेट डिपार्टमेंट कहना कि ये बहुत ज़्यादा बहुत ईयर से बहुत ज़्यादा स्पाइंग कर रहा है हम लोग पे, ठीक है। और देखिए इसमें एक रिपोर्ट भी हुआ था, स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो सेड इट्स नॉट जस्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बीन स्टोलन, इट्स बीन यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू कॉजिंग हंड्रेड्स कॉस्टिंग हंड्रेड थाउजेंड ऑफ जॉब गुड जॉब फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। मतलब अमेरिका के साथ यूरोप का भी आपका लॉस हो रहा है, यही बेसिकली कहना चाह रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने एक वांटेड लिस्ट भी जारी किया, दो चाइनीज था, जो कि उन लोगों को देखा गया कि उन लोग कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्यूटर में कुछ टारगेट कर रहे हैं, हैक वर्क करना चाह रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए, ठीक है। मतलब जो रिसर्चर लोग यूएसए में बैठ के वैक्सीन बना रहे हैं तो उसके डेटाबेस को या उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो दो चाइनीज बैठ के सब हैक कर रहे हैं, तो उन लोग का फोटो बकायदा पूरा एक पोस्टर में वांटेड लिस्ट लिख के वो रिलीज़ किया गया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, ठीक है। लेकिन लिखा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कन्विक्टेड टू चाइनीज नेशनल ऑफ स्पाइंग चार्जेस फॉर टारगेटिंग कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसा किया गया, तो मतलब इन लोग कोरोना वैक्सीन भी चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब रीज़न था कि ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन ख़राब हो गया है। और उस पर फिर कल जो आग लगी उसमें भी और लोग भड़क गए, तो जिसकी वजह से तुरंत ये डिसीजन लिया कि भाई हटाओ वहाँ पर। मतलब अब थोड़ा सा भी शक हो रहा है ना, थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तुरंत उस पर एक्शन ले रहा है यूएसए। जैसे कल आग लगा तो थोड़ा सा आग लगा उस पर सब, मतलब आग लगा तो उस पर डॉक्यूमेंट कुछ जल रहा था, जैसे डॉक्यूमेंट जला तो शक हुआ कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, जैसे शक हुआ तुरंत उसको निकाल दिए कि भाई तुम जाओ अब जाओ यहाँ से। तो ये अब बहुत जल्दी जल्दी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है चाइना के ऊपर, तो यही है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, चाइना क्या रिटेलिएट करेगा, इसका क्या एक्शन होगा, जैसा भी होगा मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो को लेते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।